चंद्रानगुड़ा पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर 436/23 इसमें 420/406 एक केस किया गया है। हमको एक कंप्लेंट आया है कि मोहम्मद असलम नवाज बोल के एक बंदा है, एक रेंटे कार बोल के एक बिजनेस धंधा करता है। इस बिजनेस में कई सारे लोगों के साथ, लोगों के पास जो भी फोर व्हीलर्स है वो फोर व्हीलर्स लेके उसको रेंट पे इधर उधर देता है। उसको ये ऐसा लेने के लिए हर एक महीना कुछ पैसा देता था। पहले 3-4 महीने पैसे अच्छे से टाइम टू टाइम ओनर्स को दिया। उसके बाद इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी प्लान करके एक एक गाड़ी को इधर उधर भेजना या किसी को हैंड लोन लेके तनखा करना, वैसा करके लगभग 8 फोर व्हीलर्स को प्लेज करके कुछ व्हीकल्स को भेज दिया, कुछ व्हीकल्स को तनखा किया। सो ऐसा चीट करके लगभग अभी 1,20,00,000 तक प्रॉपर्टी है। आज चंद्रानगुटा डिटेक्टिव इंस्पेक्टर SHO और ACP चंद्रानगुटा इन तीनों का एक टीम वर्क और हमारा कांस्टेबल्स SIs का टीम वर्क के साथ आज इतने बड़े 8 फोर व्हीलर्स लगभग 1,20,00,000 का प्रॉपर्टी सीज किया है। ये हमको और भी खबर आ रहा है कि ऐसे केसेस पहले भी SR नगर में हुआ है। तो उसी समय इन्होंने मोहम्मद असलम नवाज ये उस केस में भी था। सो अभी उधर जो ट्रिक पता करके इधर भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया, बट हमारा टीम ने पूरा 8 व्हीकल्स को सीज किया। और भी कुछ व्हीकल्स का खबर आ रहा है और जो भी रिमेनिंग व्हीकल्स है जहाँ भेज दिया वो व्हीकल्स को भी हम पकड़ेंगे और सीज करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा इन्वॉल्व हो गया इसमें उसको भी हम अरेस्ट करके कोर्ट को भेजेंगे। आज मोहम्मद असलम नवाज रेजिडेंट ऑफ सनत नगर, इसको और 8 व्हीकल्स को कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो अभी ओनर्स को भी बोला कोर्ट में जो भी फॉर्मेलिटीज है कोर्ट में अप्लाई करके वो प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इस समय पर मैं चंद्रानगुटा, बनलागुड़ा और कंचनबाग पुलिस स्टेशन का लिमिट्स में तमाम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप जब भी गाड़ी खरीद रहे उस जाति ओनर को, वो एक्चुअल ओनर को वेरीफाई करना जरूरी है। आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आपका नियरेस्ट जो बाजू का पुलिस स्टेशन आके थोड़ा वेरीफाई करो जो भी व्हीकल्स है आपके पास, और किसी से भी ये हैंड लोन दे के ये गाड़ी रखना और टू व्हीलर रखना ये मना है। ऐसा करेगा तो आपका ऊपर भी केस बुक कर सकते हैं। और एक चीज़ है, हमारे एरिया में नौजवान लोग ये छोटा मोटा चाकू लेके जाम्बिया लेके घूम रहा है रात में। ऐसा घूमेगा तो आपको हम अभी रात में हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद IPS साहब ने एक ऑपरेशन कार्डन बोल के नया प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मतलब है क्लीनिंग ऑफ डार्क एरियाज एट नाइट, CARDAN, क्लीनिंग ऑफ डार्क एरियाज एट नाइट। सो जो भी डार्क एरियाज है या कब्रिस्तान है या ओल्ड स्कूल है, ओल्ड बिल्डिंग्स है जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ ये कुछ नौजवान लोग या ये ट्रबल मांगर्स इधर उधर घूम रहे हैं, उन लोगों का उस एरिया पे रात में पेट्रोलिंग स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं। ऑफिसर्स भी अपॉइंट करके ऑफिसर्स को भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिन दे के उधर भी ऑपरेशन कार्डन करके उसको लेके आके पेटी केसेस बुक कर रहे हैं। ये पब्लिक न्यूसेंस करने वालों के लिए और एक वार्निंग है, अब अननेसेसरली ये रात में बिना रीजन से घूमेगा तो आपके ऊपर ई पेटी केसेस बुक कर जाएगा। सो ई पेटी केसेस होने के बाद 10-15 दिन ऐसा इम्प्रिजनमेंट चल रहा है। सो बिना रीजन के लिए मत घूमो, और पेरेंट्स को भी ये रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है आपके भी, आपका बच्चों को रात में आफ्टर 10-11 o'clock के बाद बाहर घूमने का अलो मत करो, क्योंकि एक बार केस होने के बाद फिर भी शीट ओपन करने का भी हम कोशिश करेंगे और बाइंड ओवर भी कर रहा है। एंड जो भी आर्म्स है अभी आने वाला इलीगल वेपन्स जो भी है एंड जो भी ट्रबल मांगर्स है, ये तमाम लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा है जो भी आपका एरिया में घूम के आपको इश्यू कर रहा है, न्यूसेंस कर रहा है, डायल 100 करो। हमारा DCP ऑफिस का भी कंट्रोल रूम का नंबर है, ACP ऑफिस का कंट्रोल रूम का नंबर है,
सब नंबर अभी वेबसाइट में अवेलेबल है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जो भी कंप्लेंट करेगा, हर एक कंप्लेंट डीसीपी ऑफिस से मॉनिटर हो रहा है, बेल एंडर्ड कॉल्स में मॉनिटर हो रहा है, जहाँ पे भी ये न्यूसेंस कर रहे हैं, ये ट्रबल मांगर्स। और एक लास्ट वार्निंग है, ये इसके अलावा अभी आप कुछ तमाशा वगैरह करेगा तो आपके ऊपर पहले ईपीटी केसेस, बाद में आर्म्स एक्ट, उसके बाद में पीडी एक्ट भी करेंगे, और तड़पार करने के लिए भी प्रोसीडिंग्स करने के लिए सीपी साहब ने आदेश दिया है। सो ये पूरा रिक्वेस्ट मैं मीडिया के पास और सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तमाम लोगों को शेयर करने के लिए, सबको सबको ये पूरा न्यूज़ उसको इन्फॉर्म करने के लिए कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच।